نسخه من مهم الرئيس والعطيب من البركات القوميه في شيء عظيم ومختبر. आजमगढ़ के बाहुबली पूर्व सांसद व सपा नेता रमाकांत यादव एक बार फिर विवादों में। अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के दौरान एक बार फिर सैकड़ों लोगों के रक्षा सूत्र काटे गए। रमाकांत यादव ने नगर परानापुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से की बातचीत। देखिए, रक्षा सूत्र तो बहुत दिनों से काट रहे हैं हम लोग। अपने लोगों को जो गुलामी की जंजीर थी, रक्षा सूत्र के माध्यम से अपने लोगों आज़ाद कराने का काम हम लोग ज़्यादा दिनों से कर रहे हैं। आज हम लोगों ने तमाम हमारे साथी हैं, आजमगढ़ के हैं, जौनपुर के हैं, बनारस के हैं, मऊ के हैं, बलिया, देवरिया, फैजाबाद, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, तमाम जनपदों से आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। आज हम सब लोगों ने अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिया है, जो हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता दिखाया है और बताया है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, रामास्वामी पेरियार हैं, नारायणा गुरु हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, महाराज साहू जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जगदेव प्रसाद जी हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, लोहिया जी हैं, तमाम हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया रास्ता, आज हम सब लोगों ने उस रास्ते को चुना अध्ययन करने के बाद और ये मन बनाया है। क्योंकि जब जब हम लोग किताबों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हिंदू धर्म में चार वर्ण मिलते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। तो हम न तो ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं। तो निश्चित रूप से सीधे सीधे साबित होता है कि पूरा पिछड़ा और दलित समाज ये शूद्र है। तमाम लोगों ने, हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम अपने समाज को संवारने के लिए, पाखंड से दूर रहने के लिए और अपने बच्चों को शिक्षा मंदिर में भेजने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, अपना अधिकार छीनने के लिए, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल करके आज हम सब लोग ये मन बनाएं कि अब हम सभी लोग जब शूद्र हैं, बैकवर्ड दलित के लोग, तो आज हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग अपने नाम के आगे शूद्र लगाएंगे। उसी मैंने भी ये आज ये कहा है कि मेरा नाम आज से शूद्र रमाकांत यादव होगा।